मानोरा रोड पर रामनगर से सटे पावर हाउस के सामने स्थित गोडाउन में आग लगने की घटना सामने आई है। वाशिम जिला के विठल देवी सिंह राठौड़ नामक शख्स के खेत में सेवा वेयर हाउस है, जिसमें गुरुवार की दोपहर 2 बजे अचानक आग लग गई। वैसे इस घटना में प्राथमिक स्तर पर लाखों के नुकसान का अंदेशा है, हालांकि आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ। इस घटना में गोडाउन में बड़े पैमाने पर कपास, अरहर, पशु खाद्य आदि अनाज सामग्री आग के भेंट चढ़ गई, जिससे लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। दिग्रस शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर मानोरा रोड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक कृषि वाणिज्य शाखा अमरावती के आर्थिक सौजन्य से और नाबार्ड भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा अनुदान प्राप्त विठल देवी सिंह राठौड़ का उन्हीं के खेत में यह गोडाउन दिग्रस निवासी डॉक्टर विवेक भास्कर राव को लीज पर दिया गया था। इस गोडाउन में दिग्रस परिसर के कई व्यापारी और किसानों का कपास, तुअर दाल, ढेप आदि अनाज, पशु खाद्य और खेती उपज का माल भरा हुआ था। ऐसे में गुरुवार की दोपहर उक्त गोडाउन से धुआं उठता नजर आया। यह नजारा देख चश्मदीदों ने इसकी सूचना व्यापारियों से स्थानीय प्रशासन को दी, लेकिन आग की लपटे तब काफी नुकसान कर चुकी थी। हालांकि घटना का पता चलते ही तहसीलदार राजेश वजीरे, पुलिस निरीक्षक सोनाजी आमले आदि सहित अनेक प्रशासकीय अधिकारी, व्यापारी और नागरिकों ने तत्काल घटनास्थल का रुख किया है। इसके बाद हरकत में आते हुए प्रशासन ने जेसीबी से गोडाउन में सामने वाले हिस्से का कुछ भाग तोड़कर गेट को जैसे ही खोला तब आग की लपटें तीव्र गति से बाहर आ रही थी। ऐसे में बेकाबू होती आग को काबू में करने के लिए पुसद, दारवा और मानोरा की ओर अग्निशमन दलों को दिग्रस अग्निशमन दल की मदद के लिए बुलाया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि 3 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मालूम हो कि इस बीच घटनास्थल से सटे पुंडलिक राव इंगोले के खेत के कुएं से पानी लेकर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस बीच बिजली सप्लाई में रुकावट से दिक्कतें थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार जारी प्रयास के बाद आखिरकार आग बुझाने में कामयाबी मिली। इस दौरान डॉक्टर विवेक भास्कर राव को इस भीषण घटना में हुए नुकसान के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि गोडाउन में बड़े पैमाने पर रखा हुआ खेती उपज का माल जलकर खाक होने से कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उक्त माल का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज है, जिसकी छानबीन के बाद ही नुकसान का पता चलेगा, ऐसे प्रतिक्रिया दी है। जून माह में खेत में बुआई के काम जारी होते हैं, ऐसे में गोडाउन के आसपास वाले खेतों को सीमाओं पर कचरा जलाने के लिए लगाई गई आग से ही गोडाउन को आग लगी होगी, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि आग लगने की असल वजह जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगी। एक तरफ लॉकडाउन के चंगुल में फंसे नागरिक, व्यापारी वर्ग और किसान पहले ही परेशान है, और इस भीषण घटना से शहर और परिसर के किसानों और व्यापारियों पर एक और आफत टूट पड़ी है, जो कि बेहद अफसोस की बात है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।